मेरा कैरेक्टर इब्राहिम का है, वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं जो सदर्न फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, 80s की फिल्म है, और वो सिल्क जो विद्या कैरेक्टर है उससे बहुत नफरत करता है। आइडियोलॉजीज डिफर होते हैं एक दूसरे के। सिल्क स्टैंड्स फॉर एंटरटेनिंग सिनेमा, इब्राहिम का एक आर्टिस्टिक व्यू पॉइंट है सिनेमा का, वो पर्सनली उसे हेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये रिलेशनशिप स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन पहली बार प्ले करने का मौका मिला है विथ माय हीरोइन। एंड उसी दौरान फिल्म में कहीं एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी भी है विच ग्रोज आउट ऑफ हेट, विच आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम हैज बीन डन ऑन स्क्रीन, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड बाय मिलन। ये मोटी एक बहुत ही पता नहीं वो टैगलाइन लोगों को बहुत पसंद आ गया है, और वो जहाँ पे विद्या सिल्क के कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारे चाहने वाले सामने के चारों से बैठे हैं, पीछे की 40 रोज मेरी हैं, मैं साबित कर दूंगा कि फिल्में तुम्हारे जैसे लोगों के वजह से नहीं चलती हैं। सो दैट्स अ वर्बल, यू नो, ऑलवेज कन्फ्रंटेशन बिटवीन दिस टू कैरेक्टर्स, एंड आई थिंक दैट्स कम आउट ब्यूटीफुली। वेल देखिए, हमने हमेशा कहा है इस फिल्म के साथ कि कहीं जो स्पेकुलेशंस हैं, हाँ हर फिल्म के साथ स्पेकुलेशंस होती हैं, सदर्न फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है तो लोगों को लगेगा एक शख्स के बारे में ये फिल्म बनाई गई है, या आई थिंक ये ऑब्जर्वेशन लोगों ने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के लिए भी निकाला था, लेकिन जब लोगों ने फिल्म देखी थी उनको पता चला कि ये एक किसी शख्स के बारे में ये फिल्म नहीं है, इट्स अ फिक्शनल फिल्म। सो यू नो, फ्रॉम आवर साइड वी हैव सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि ये कोई नो रियल लाइफ पर्सन, इज नॉट बेस्ड ऑन एनी वन। जी, इस फिल्म में भी कर रहा हूँ लेकिन अलग किस्म की शैतानी है। लेकिन तो जी जी, एक बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर। आई थिंक बहुत सारे एक्ट्रेसेस नहीं है जो ये कर पाएंगे। इट्स अ वेरी बोल्ड रोल, इट्स वेरी करेजियस ऑफ हर कि उन्होंने ऐसा काम, ऐसा रोल चुना, एंड आई एम श्योर पीपल लव हर परफॉर्मेंस इन द फिल्म। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एंटरटेनिंग फिल्म है, म्यूजिक सब लोगों को पसंद आ गया है तो एक रिकॉल है उसका, ग्रेट परफॉर्मेंसेज, और एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी, एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंटरटेन करेगी। थैंक यू। इसके बाद शंघाई दिवाकर बैनर्जी के साथ, फिर उसके बाद राज 3D, जन्नत 2, और बालाजी के साथ डायन। खेल रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो डर्टी पिक्चर नहीं देख पाएंगे क्योंकि आई थिंक हमें ई सर्टिफिकेट मिला है फिल्म के लिए, तो बाद में देखेंगे वो।